हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं उज्ज्वल श्रीवास्तव आप लोगों के बीच एक नए कंटेंट के साथ आया हूं। और हम आज का कंटेंट में डील करेंगे कि एक्टिवा का क्या प्रॉब्लम्स है। ज़्यादातर लोगों का ये प्रॉब्लम है कि माइलेज को लेकर ये इशू रहता है, क्योंकि इंडिया में देखा जाए तो मोस्ट सेलिंग स्कूटी अभी के डेट में ये है। लोग ज़्यादा इसकी को प्रेफर करते हैं अदरवाइज TVS की जुपिटर को। तो आइए थोड़ा हम समझ लेते हैं। एक्चुअली तो मैंने इसका माइलेज टेस्ट का रिव्यू तो डाला ही है, सो आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन आप अब देखते हैं फाइनली कितना चला हुआ है। देखिए तो फाइनली मैंने 1 ईयर हो गया, 7,057 किलोमीटर ये टोटल गाड़ी चल चुका है। तो उसका एक ओवरऑल एक्सपीरियंस, मतलब माइलेज, सिर्फ माइलेज पे है। तो माइलेज और कुछ सस्पेंशन पे आप देख सकते हो कैसा एरिया में हम आए। एकदम थोड़ा ऑफ रोडिंग करने लगे हैं स्कूटी से ही। तो थोड़ा इसका शॉकर सस्पेंशन का भी थोड़ा देखना था कि क्या क्या सीन है इतना दिन चलने के बाद। तो थोड़ा स्टीप पहले वाला जैसे 4G 5G आता था, तो अब टेलीस्कोपिक आ गया तो ये काफ़ी सही है। तो प्रूफ भी हुआ है, आप देख सकते हो कैसा रोड है। सो इसलिए आपको दिखाना चाहते थे कि इस ऐसा एरिया में इसका कैसा, मतलब सस्पेंशन का परफॉर्मेंस भी है। तो गाइज़ मैं आपसे डेफिनेटली सही बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा माइलेज टेस्ट भी मैंने फाइंड किया था 1 लीटर का, तो 58 का मैंने फाइंड किया था। थोड़ा सा मैंने सिटी में चलाया था, मैक्स मैं चलाया था हाईवे पर, जिसमें हमको 58 किलोमीटर मिला था, जो कि मैं आपको एकदम कम्प्लीटली दिखाया। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अभी की अगर बात किया जाए तो सिर्फ ओनली सिटी का अगर हम बात करें और इकोनॉमिक स्पीड पे अगर हम चले, जैसे मान लो आप 40-45 के स्पीड में भी हम चलते हैं, तो डेफिनेटली मैंने एकदम एग्जैक्ट 43 किलोमीटर, एकदम फ्यूल ख़त्म होने पे, जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होती उसके बाद मैंने तेल 1 लीटर फ्यूल डलाया और उसके बाद से आपको 43 किलोमीटर तक मेरा स्कूटी एवरेज दिया। तो आपका क्या, देखिए माइलेज का क्या सीन है कि आपके ड्राइविंग कंडीशन पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसे एक्सलेट करते हो, कैसे भगाते हो। एक कंटिन्यूस स्पीड पे अगर कंटिन्यूस RPM पर आप गाड़ी चलाते हैं तो किसी भी गाड़ी या 4-व्हीलर या 2-व्हीलर उसका माइलेज अच्छा देगा। तो कुछ ऐसा था गाइस, तो इसके बारे में। तो माइलेज कुछ ऐसा है, आपको 43 अगर मुझे दे रहा है तो डेफिनेटली हमको 50 प्लस ही देगा। हाईवे में अगर हम अच्छे से चलाएं, इकोनॉमिक स्पीड पे अगर चलाते हैं, 50 तक भी जाते हैं तो अच्छा खासा हमको माइलेज निकल जाएगा। अब आज के बाद हम करते हैं अब सस्पेंशन का। तो सस्पेंशन का गाइस बात किया जाए, हाँ तो गाइस सस्पेंशन का अगर हम बात करें तो सस्पेंशन आप देख सकते हैं कैसा एरिया है, पूरा धूल मट्टी भाई साहब उड़ा के गए हैं। तो ऐसा वाला एरिया है, पूरा ऑफ रोडिंग वाला ये एरिया है, पूरा मट्टी का रोड है और उबड़ खाबड़ आप देख सकते हो कुछ ऐसा है। तो मैंने इसको पार करके आया, मेन रोड वहाँ से है और मैंने जान से इधर आया, तो उतना कुछ ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक है, कंडीशन सस्पेंशन का इसी पर पता चलता है। तो ऐसा कुछ है, मतलब 4G 5G के अलावा बहुत ही सही है। और अभी के डेट में आप देखो तो रिसेंटली मैंने वीडियो पब्लिश किया था हीरो जूम के बारे में, तो हीरो जूम भी 110cc के सेगमेंट में अच्छी है, आप उसको भी टेस्ट ड्राइव कर सकते हो, क्योंकि उसका इनिशियल पिकअप भी सही है, माइलेज भी अच्छा खासा वो निकाल रही है। तो थोड़ा अभी, मतलब मार्केट अभी छाने में उसको समय लगेगा, लेकिन वो भी स्कूटी सही है। सो आपको हम वो भी प्रेफर करते हैं, हीरो का जूम भी आप उसका टेस्ट ड्राइव लीजिए, कैसा आपको लग रहा है, इसके इनिशियल पिकअप उसके इनिशियल पिकअप में क्या अंतर है। अभी तो इसका HSmart भी आ गया था, इसको अपने भी टेक्नोलॉजी को होंडा ने बढ़ा दिया है। सो आपको जज करना है कि आपको क्या है। लेकिन मैंने, ये मेरा स्कूटी है तो मैंने अपना एक ओनरशिप रिव्यू आपको दिया, एक माइलेज को लेकर, एक सस्पेंशन को लेकर। और फिर लोगों का थोड़ा इशू रहता है ये एग्जॉस्ट नोट को लेकर, तो एग्जॉस्ट नोट भी मेरा कुछ ऐसा, मतलब उस टाइप से आप देख सकते हो। हम यहाँ स्टार्ट करते हैं गाइस, गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ। सो आप एग्जॉस्ट नोट भी सुन सकते हैं, कुछ ऐसा है, गाड़ी स्टार्ट है लेकिन एज इट इज़ पहले की तरह है, लेकिन काफ़ी मैंने गाड़ी को प्यार से चलाया है गाइस। तो आवाज़ भी काफ़ी सही है, देख सकते हो कितना स्मूथ है, एकदम साइलेंट टाइप से लग रहा है। तो आवाज़ और थोड़ा स्टार्टिंग पीरियड में इसका आवाज़ थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो आप मूवन जब ये राइड करोगे तो इसके आवाज़ और कम हो जाएगी। तो कुछ ऐसा है गाइस, तो आवाज़ के मामले में भी कुछ गड़बड़ नहीं आता। आइए थोड़ा एक्सेलरेट करके देखते हैं, देख सकते हो। सो गाइस, तो फाइनली अब हम आते हैं इस स्कूटी को लेना चाहिए कि नहीं। तो ये वाला तो वेरिएंट अब बंद हो चुका है, HSmart आ गया है। तो आप HSmart को टेस्ट ड्राइव कीजिए,
सिर्फ उसमें और कुछ चेंजिंग नहीं करा, लुक्स वगैरह में स्मार्ट की प्रोवाइड की है जिससे सेंसर लगाया, गाड़ी चोरी होने का कम चांसेस रहेगा, तो सेफ्टी को लेकर वो मतलब होंडा ने काम करा है। और अगर देखें तो हीरो सेगमेंट में जूम आता है जो कि 110 सीसी में है, जुपिटर एंटोर का जुपिटर का भी और एंटोर का भी काफ़ी मतलब ये सब थोड़ा मार्केट है, लेकिन देखा जाए तो मेन कंपटीशन अब वो आपको एक्टिवा और एंटोर में है, तो वो 125 है, ये 110 है, लेकिन 110 अगर आपको सिटी के लिए चाहिए और एक अच्छा स्टेबल स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी हर एक चीज़ के मामले अगर हम चाहिए तो मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से आप एक्टिवा पे जा सकते हो, आँख मूंद के जा सकते हो, लॉन्ग पीरियड रखना है तो जा सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब 125 अगर जाते हैं, थोड़ा लॉन्ग टूर है आपका, लॉन्ग रनिंग है, तो आप एंटोर को भी ले सकते हो, वो भी काफ़ी स्टेबल है, लेकिन 110 सीसी के हिसाब से ज़्यादा सिटी रनिंग है तो आप इसको भी प्रेफर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपका क्या चॉइस है मुझे ज़रूर कमेंट करें, और आपको क्या अच्छा लग रहा है आप एजेंसी में जाएं, जूम को हर एक चीज़ को टेस्ट ड्राइव लें, कोई भी गाड़ी आदमी पैसा लगाता है सो हड़बड़ा के कुछ नहीं करना है। तो कुछ सस्पेंशन का कमेंट है और आ रहा था भाई इतना गाड़ी चला लिए क्या सस्पेंशन का क्या सीन है, तो सस्पेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है और ऐसे रोड में मैं थोड़ा कभी कभी आते रहता हूँ, सो आज आके वीडियो बनाने का यही मकसद था कि सस्पेंशन के बारे में भी थोड़ा ये बताया जाए। और देखिए ये लीक भी नहीं हो रहा है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है ये लीक करने लगता है, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। और माइलेज वगैरह अब 43 के दे रहा है, तो देखा जाए तो मतलब हमारे हिसाब से तो मैं सेटिस्फाइड हूँ इस स्कूटी से, सेटिस्फाइड हूँ, बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। तो गाइस वीडियो को यहीं हम दिखाना चाहते थे कि आप लोगों को एक्टिवा कैसा लगता है। एक्टिवा ये 6G 110 सीसी है और मैं अभी मोतिहारी से बोल रहा हूँ। सो गाइस फाइनली इस ब्लॉग को एंड करते हैं और देख सकते हैं थोड़ा विलेज एरिया का आप थोड़ा मज़ा ले लो, ऐसा कुछ है। और मैंने रोड से उतर कर, आप देख सकते हो वहाँ रोड से उतर कर यहाँ ऑफ रोडिंग के लिए आया, तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप कि ये ब्लॉग और ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो और ये स्कूटी भी अच्छी लगी हो, और काफ़ी कलर के बारे में ज़रूर आप कमेंट करना कलर आपको कैसा लगा। सो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। गाइस आइए थोड़ा आपको दिखा दें, ऑफ रोडिंग में भी मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी वे में गाड़ी चल रहा है, आप देख सकते हो कैसा रोड है और गाड़ी एकदम अच्छे से चल रही है, काफ़ी कंफर्टेबल है एकदम, मतलब सस्पेंशन में काफ़ी उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना लोगों का रूमर है, तो ऐसा कुछ नहीं है, अफवाह ना फैल रहा है। ये स्कूटी अपने सेगमेंट में 110 सीसी के सेगमेंट में स्टेबिलिटी और बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी जानी जाती है, और इसकी सेलिन भी आप देख सकते हो उठाकर, तो आप देखो ऐसा कैसा रोड है आगे, आप देख सकते हो यहाँ मट्टी भी है लेकिन काफ़ी आराम से मैंने इसको निकाल ले रहा हूँ। और देखिए ऐसा कुछ है, ऐसे ही हम रोड से निकले थे और उतरे थे और नीचे आके वीडियो को बनाए थे, तो आप लोगों को भी दिखा दिया और फाइनली मैं मेन रोड पे आ गया। तो ठीक है, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।